दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण और शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई नॉन मोटराइज्ड व्हीकल डे योजना पूरी तरह से सफल रही। पहला दिन एलएलबी की प्रवेश परीक्षा होने की वजह से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। कुछ लोगों को योजना के क्रियान्वयन में आशंका थी। प्रोक्टोरियल बोर्ड, शिक्षकों, कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयास से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल डे के अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि इस प्रकार के प्रयोग से समाज में सकारात्मक संदेश के साथ अन्य लोग भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। शहर को ट्रैफिक जाम से भी ये पहल निजात दिलाएगी। लोगों की मानसिक सोच में बदलाव आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी एवं अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय शुक्ला ने कहा, हम लोग पैदल इसलिए आ रहे हैं कि ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के तहत हमारे विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्तर पे ये तय किया है कि महीने के अंतिम दिन को हम लोग नो व्हीकल डे के रूप में मनाएंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय ने यह एक परंपरा बनाने के लिए निश्चय कर लिया है कि हम नो व्हीकल डे के साथ पैदल जाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, शुद्ध रखें, जिससे ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए और एक अच्छी परंपरा होगी और हम प्रेरित कर सकेंगे अन्य लोगों को कि वो भी महीने में कम से कम एक दिन पैदल चलें और पर्यावरण के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, जो हमारे लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। सर, आज आप लोग पैदल मैं आपको बताना चाहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजीव सिंह के दिशा निर्देशन में हर महीने की आखिरी तारीख नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाने का निर्णय हुआ है। आज उसका पहला दिन है और विश्वविद्यालय का माहौल बहुत अच्छा है। सब लोग पैदल, विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी पैदल यहाँ पर आ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण। अगर हम एक महीने में एक दिन कैंपस में अपनी गाड़ियों को नहीं लाएंगे और फ्यूल को रोकेंगे तो निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण में अपना एक अहम योगदान करेंगे। सभी जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन यूजीसी का मानना है कि अपने स्तर से पर्यावरण को बचाने के लिए एक कार्य करें। ये विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी की तरफ से एक बहुत सराहनीय कदम है और हम सभी शिक्षक इसका स्वागत करते हैं।